सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉकेट गुरुजी में। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपका डाटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा है? आप थोड़ा यूज़ करते हैं, उसके बाद ही आपको एक मैसेज आ जाता है कि यू हैव यूज्ड 50% डाटा, और थोड़ा ही देर और यूज़ आप करते हैं, उसके बाद ही तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपने अपने मोबाइल डाटा का 100% यूज़ कर लिया है। तो इस वीडियो में आपको कुछ रीज़न बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसका एकमात्र रीज़न ये है कि मुझे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिला था मेरे लास्ट वीडियो पे, जिसकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए रोक दिया गया था। लेकिन फिर से एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपके प्यार की वजह से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारी फैमिली में। तो मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं पॉकेट गुरुजी। सबसे पहला रीज़न है वो है ऑनलाइन वीडियो ऐप्स। यानी फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में टिकटॉक है, या फिर आप यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क यूजेस आता है, यानी कि आपका बहुत ही जल्दी से आपका जो इंटरनेट है वो ख़त्म हो जाएगा। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपके मोबाइल में कई सारे अनवांटेड एप्लीकेशन का होना। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास कई सारे एप्लीकेशन हैं आपके फ़ोन में, तो उसमें से कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में प्रोसेस करते हैं, और वो आपके बहुत ही ज़्यादा डाटा को खर्च करा देते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, मैं आपको सॉल्यूशन लास्ट में बताऊँगा कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपके मोबाइल में दो या दो से अधिक ब्राउज़र का होना। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप जाते हैं और फिर उसको बैक कर लेते हैं, और वहाँ से फिर आपको कई सारे नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में यूसी ब्राउज़र है, तो वहाँ से आपको कई सारे न्यूज़ दिन भर में आते रहते हैं। तो यानी कि ये कैसे होता है फ्रेंड्स, कि जब आपका जो यूसी न्यूज़ है ये आपके डाटा को बैकग्राउंड में प्रोसेस करता है, तभी जाके आपके पास ऐसा न्यूज़ आते हैं। तो ये तो थे कुछ रीज़न जो आपके डाटा को बहुत ही जल्दी ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली जाना अपने प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है डाटा आई। सिंपली आपको सर्च कर देना है, और यहाँ से जो एप्लीकेशन आएगा इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसको करता हूँ ओपन। तो आपको सिंपली ऐसे ओपन कर लेना है और यहां से इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस। यहां से आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करते ही यहां से आपको दिखाएगा, यहां से इसको ओके कर देना है, और फिर यहां से आपको कंट्रोल में आ जाना है। कंट्रोल में आने के बाद जो आपको लगता है कि ये आपका मतलब हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ से उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि इसमें सारे ब्लॉक होते हैं, और जो आप चाहें यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, कोई अपना एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं खोलता हूँ अपना यूट्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बस प्रोसेसिंग करेगा, खुलेगा नहीं जब तक मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा। यानी कि इस तरह से आप उसके बैकग्राउंड के डाटा को रोक सकते हैं। आप अगर खोलेंगे भी तब भी वो कभी नहीं चालू होगा। अगर आप उसको खोलेंगे भी तभी वो अपने मन से नहीं चलेगा, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ऊपर में, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है डाटा सेविंग मोड, यूट्यूब इज़ ब्लॉक्ड, अलाउ एक्सेस। यानी कि जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पूछ रहा है हमेशा के लिए यस करने के लिए, या फिर हमेशा के लिए नो करने के लिए, और यहाँ पे पूछ रहा है बीच में यस फॉर 10 मिनट। तो आपको अगर ज़्यादा यूजेज नहीं है, आपको 10 मिनट ही बस यूज़ करना है कोई एप्लीकेशन और फिर बैक आ जाना है, तो इसके लिए आप यस फॉर 10 मिनट कर देंगे। और इतना करते ही फ्रेंड्स, आपका जो ये मोबाइल का डाटा है वो यूट्यूब को अलाउ कर देगा। चलिए मैं इसको फिर से एक बार खोल लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा ओपन हो गया। तो ऐसे करके आप सारे एप्लीकेशन पे लगा सकते हैं, आपका कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, जिसके वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा डाटा का सेविंग होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम।